कि पिछले 60 सालों में नहीं है। मैं किसी भी पार्टी से बहस के लिए तैयार हूं कि केंद्र की तमाम रुकावटों के बावजूद जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने डिलीवर किया वो हिस्टोरिक है। त्रिलोचन जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, मैं आपको बता दूं, सुन ली, एक मिनट, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से, मैं एक मॉडल लेके आया हूं यहां पे, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से साल में केवल 317 करोड़ रुपए का सेंट्रल असिस्टेंस लेती है, जो कर हम जमा करके देते हैं उसके बदले में मिलता है, बाकी दिल्ली सरकार अपनी अर्निंग से सरकार चलाती है। हम किसी पैकेज के लिए हमने कभी डिमांड दिल्ली में नहीं किया, दिल्ली ने सरप्लस बजट पेश किया है, फायदे का बजट पेश किया है। भ्रष्टाचार का कारण जो है, भ्रष्टाचार जो है वो इन नेगेटिव बजट्स की, जब कोई सुखविलास बनाएगा जिसमें एक रात में 5 लाख रुपए किराया लगेगा, जब कोई ऑर्बिट रिजॉर्ट्स की चेन बनाएगा, जब कोई ऑर्बिट की मर्सिडीज की बसें सड़कों पर दौड़ाएगा, जब कोई केबल उद्योग पर, बस उद्योग पर, हॉस्पिटलिटी उद्योग पर एक साथ कब्जा करेगा, जब कोई नशा भराने की कैपिटल चालू करेगा, तब घाटे में जाएगा स्टेट, स्टेट गरीब होगा, एक एक आदमी गरीब होगा। जब वो पैसा स्टेट के वेलफेयर में लगता है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास नीयत की कमी है, ये सही नीयत वाली सरकार है। हमें पता लगा है कि समराला का जो सिटिंग एमएलए है, जिसको अब दोबारा टिकट दी गई है, अमरीक सिंह ढिल्लों, उन्होंने कंप्लेंट किया कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो कोई फॉर्म भरवा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उल्लंघना है और हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने हमें इसके बारे में पूछा है, हमने उनको जवाब दे दिया है, लेकिन ये जो कंप्लेंट है ये बिल्कुल गलत कंप्लेंट है। जो हम कर रहे हैं बिल्कुल संविधान के मुताबिक कर रहे हैं, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें क्लियरली मेंशनड है कि स्टेट को क्या कुछ करना चाहिए, और हम उसी के तहत ये करने जा रहे थे और कर रहे थे। इसमें जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमने 4 मैनिफेस्टो अभी तक दिए हैं, एक नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापार के लिए और दलित वर्ग के लिए, दलित भाईचारे के लिए, उसी को हम रिएट्रेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये हमने दर्ज किया है मैनिफेस्टो में, ये हम आगे जब सरकार बनेगी तो ये हम करेंगे, हम लोगों को यही बता रहे हैं। सो इसकी जो उन्होंने कंप्लेंट की है बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और इससे उनकी जो एंटी पुअर, एंटी दलित पॉलिसीज हैं कांग्रेस की वो बिल्कुल साफ नजर आती है। वो अमृतसर सेंट्रल की सीट जब हमने डिक्लेयर की तो हमें पता लगा कि उस शख्स के ऊपर कोई कंप्लेंट थी, हमने उसको वेरीफाई किया, और जब पता लगा तो पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने फौरन वो सीट बदल दी और वो दूसरे कैंडिडेट। नहीं, एंटी सिख फेस नहीं, अगर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं, देखो अगर कोई बदनाम है नाम तो उसके ऊपर जरूर पार्टी इंक्वायर करेगी, लेकिन अगर कोई किसी के ऊपर क्रिमिनल केस है, किसी के ऊपर ऐसी एफआईआर है जो बड़ी घिनौना क्राइम है और जिसके ऊपर अभी कंप्लेंट पेंडिंग है, तो हम जरूर इंक्वायरी करते हैं। ये एक सिस्टम है हमारी पार्टी का और हर जगह ये होता है। वो पता आज अखबार में है कि वो कंप्लीट हो गया, उनकी वोट बन गई है। ये तो छोटे छोटे प्रोसेस हो जाएंगे इसमें क्या? इसमें ये नॉर्मल सिस्टम है। वोट बनवाना कटवाना वोट का लास्ट डेट शायद 8th है, तो अभी तो टाइम भी है, मंडे तक है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं उनके ऊपर कल काफी गंभीर एलिगेशन लगे हैं, जैन साहब के ऊपर जिंदल, इस तरह के एलिगेशन आम आदमी पार्टी के नेता पे लगना, क्या कोई साजिश इसके लिए मानते हैं या कोई इंक्वायरी पार्टी की तरफ से? ये आरोप पहले भी लगाने की कोशिश की गई, इसके बाद उसमें हमने उसका खंडन किया, हमने सारे फैक्ट्स, हमें सत्येंद्र जैन जी को एज अ विटनेस नॉट एज एन अक्यूज्ड ही वॉज समन्ड, वो गए, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और हम दावे से कहते हैं कि इनमें से एक भी जीत से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। आज जिस तरह का प्रोसिक्यूशन, जिस तरह का
द्वेषपूर्ण रवैया इस सरकार ने अपना रखा है। पूरे देश को पता है कि अगर हमारी कोई भी गलती होगी तो एक मिनट भी मोदी जी की एजेंसियां नहीं लगाएंगी। तो अभी तक अगर वो कुछ नहीं कर पाए, वही इस बात का सबूत है कि ये झूठा चुनावी प्रोपेगेंडा के लिए अपनी सरकारी मशीनरी को जैसे दसियों साल से मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोबारा से कर रहे हैं। देश को अगर ये बार बार हम चैलेंज करते हैं मोदी जी को और उनकी एजेंसियों को कि कृपया अखबारबाजी ना करें, उन सारी एजेंसीज उनके डिस्पोजल पे हैं, वो तत्काल कार्रवाई करें।